नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर मधुबनी जिले के बेरी पट्टी से आ रही है, जहां सरकारी अस्पताल में महिला चिकित्सक की नियुक्ति की मांग को लेकर अनुमंडलीय अस्पताल में भूख हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि महिला चिकित्सक की व्यवस्था नहीं किए जाने को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर विगत गुरुवार 5 जनवरी 2023 से अनुमंडलीय अस्पताल बेरी पट्टी के परिसर में प्रसिद्ध समाजसेवी ग्राम सचिव निवासी संदीप झा मुरारी और ग्राम देवपुरा निवासी नीरज शेखर बैठे हुए हैं, जहां उन्होंने अपनी मांग में बताया कि जब तक अनुमंडलीय अस्पताल बेनी पट्टी में महिला चिकित्सक की नियुक्ति नहीं होगी तब तक यह भूख हड़ताल जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि अनुमंडलीय अस्पताल में पुरुष डॉक्टरों के द्वारा बेनी पट्टी के सभी जगहों से आने वाली महिला रोगियों का इलाज किया जाता है, जो लोक लज्जा की दृष्टि से उचित नहीं है और यह हमारे प्रखंड के लिए बेहद ही शर्मनाक है, जो बर्दाश्त काबिल नहीं है। इसलिए हमने यह भूख हड़ताल का निर्णय लिया है, जिसके लिए हम वचनबद्ध है कि जब तक महिला चिकित्सक की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक हम भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। धरनास्थल पर डॉक्टरों की टीम लगातार इनके स्वास्थ्य की जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन खबर लिखे जाने तक आधिकारिक तौर पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इनसे मिलने नहीं आए थे। बेनी पट्टी से मोहम्मद फैजल की रिपोर्ट। मेरा नाम संदीप कुमार झा उर्फ मुरारी हुआ। अच्छा, ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का मकसद क्या है आपका? मेरा मकसद अनुमंडलीय अस्पताल में महिला चिकित्सक की नियुक्ति के लिए भूख हड़ताल के हम लोग बैठे। अच्छा, ये विचार आपके मन में कैसे आया कि यहाँ की महिला चिकित्सक का आवश्यकता है बेनी पट्टी अनुमंडलीय अस्पताल में, और आपने क्या सोचा और फिर आप भूख हड़ताल पे बैठने का निर्णय लिए? क्योंकि पिछले एक वर्ष से बेनी पट्टी में लगातार हम बने हुए हैं और यहाँ पे जो महिला का जो विधि व्यवस्था है हॉस्पिटल का, जो डॉक्टर का, उसमें बहुत अनियमितता देखा गया। और भूख हड़ताल पर बैठने का सबसे बड़ा कारण यही है कि पिछला 10-12 साल से हमने पेपर पे ही केवल मांगे देखी है महिला चिकित्सक की। हम लोग की तरफ से बार बार मांगा गया था, बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति के द्वारा भी मांग किया गया है, लेकिन आज तक 12 साल 13 साल में पहल नहीं हुआ। तो हम लोग के पास में और कोई विकल्प नहीं बचा हुआ था, इसीलिए हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे। अच्छा, तो आपको अब तक यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं आप? कल से हम लोग बैठे। तारीख बताइए। कल 5 जनवरी 2023। अच्छा, और क्या लग रहा है कि अगर जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे? जी जी, जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग। आपसे कौन कौन लोग मिलने आए हैं अब तक? अभी तक कल भी और आज भी प्रभारी हैं, वो आकर के अभी बात किए हैं, हम लोग से वार्तालाप हुई है, लेकिन आश्वासन पे हम लोग कोई कदम उठाने वाले नहीं हैं। जब तक यहाँ पे नियुक्ति नहीं होगी हम लोग यहाँ से रहने वाले हैं। क्या कुछ आश्वासन अब तक मिला है आपको? वो बोले हैं जो हम सीएस को जो है लेटर भेजे हैं तो देखिए जल्दी हो जाएगा, तो बोले जो उससे हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, हम उससे सीएस आकर के बात करें या कोई जो बड़े पदाधिकारी है जो ऑथराइजेशन है जिनके पास में बात करने के लिए वो आए वो बात करें, फिर उसके बाद हम लोग वार्तालाप करेंगे, लेकिन हमारी जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी हम लोग यहाँ से उठने वाले हैं। अच्छा, आपकी मांग डायरेक्ट सरकार तक पहुँचे इसके लिए आपकी क्या मतलब ये सोच है और कैसे आप ये निर्णय लिए कि मुझे भूख हड़ताल पे बैठेंगे और सरकार जागेगी? हमने डायरेक्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को भी मेल किया था, डीएम साहब को भी मेल किया था, प्रभारी साहब को, सीएस, सब जो ऑथराइज है जहाँ जहाँ पे सब जगह हमने मेल के माध्यम से ऑलरेडी मांगे पहुँचा रखी। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे अपनी ओर से आप? यही कहना चाहेंगे कि उम्मीद यही है जो जल्दी से महिला डॉक्टर की यहाँ पे नियुक्ति हो। और खबरों में अपने के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।